1904 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी अपने साथ महाराजा बस्तर को ले गए, जहां पे आपने पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी के दर्शन किए। आपके पिताजी ने 1907 में बुरहापुरा एक लेक के किनारे बहुत बड़ा बंगला खरीदा रायपुर के अंदर, जो केंद्र बन गया, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अड्डा बन गया, जहां से जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होते थे या प्लानिंग होती थी वो उस कोठी से होने लग गई। जैसे इलाहाबाद में आनंद भवन था, उस प्रकार से अंग्रेजों की निगाह में वो कोठी आ गई और कई बार वहाँ से नौजवानों को, देशभक्तों को वहाँ से पकड़ा गया। आपने रायपुर में लॉ प्रैक्टिस चालू करी और एक बहुत ही सफल वकील के रूप में निकले। अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करते थे और बार एसोसिएशन में आपकी एक धाक जम चुकी थी। अमीरों के लिए तो वकालत करते ही थे, पर सबसे बड़ी बात थी गरीबों के केस भी करते थे और उनसे फीस तक नहीं लेते थे। कांग्रेस का 1910 के अंदर बनारस में अधिवेशन हुआ, जहां पे आपकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई और वो रिश्ता अंतिम क्षण तक रहा। आपने वहां पे एक सभा भी अटेंड करी जो कान्यकुंज ब्राह्मणों की सभा थी। अटेंड करने के बाद आपने विचार कर लिया कि उसका एक चैप्टर आप मध्य प्रदेश में भी खोलेंगे, तो आपने कान्यकुंज महासभा का गठन रायपुर में आकर किया। कान्यकुंज महासभा का बहुत बड़ा देन ना केवल स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर रहा, पर कांग्रेस उस जमाने के अंदर जो कि लड़ाई लड़ रही थी आजादी की, उसमें भी कान्यकुंज महासभा ने बहुत साथ दिया। वो जमाना था जब हवा में वंदे मातरम की आवाजें आ रही थी और बाल पाल का नारा हर तरफ से लग रहा था। उस दौरान आप स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और 1915 में जब आप बंबई गए कांग्रेस अधिवेशन अटेंड करने, तो मारवाड़ी स्कूल में आप जहां रुके हुए थे उसके नीचे के कमरों में महात्मा गांधी और बा रुकी हुई थी। आपने बंबई में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभाएं अटेंड की और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हो गए। उसी टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया कि जो सीधी सादी जिंदगी महात्मा गांधी ने जीना चालू कर दी है, मैं उसी को फॉलो करूंगा। आपने अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी पोश जितने भी पहनते थे, आपको शौक था पहनने का, वो सब त्याग दिए और खादी और हाथ से बनी हुई खादी शुक्ला भवन के अंदर रायपुर में हर आदमी वो पहनने लग गया। ये प्रभाव गांधी जी का आप पर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन के एक अग्रणी नेता बनकर आप उभरे मध्य प्रदेश में। पंडित रविशंकर शुक्ल हिंदी के प्रबल समर्थकों में से थे। आपका ये मानना था कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए और हिंदी ही देश का उद्धार भी करेगी और पूरे देश को जोड़ भी देगी। आपने हिंदी महासम्मेलन कई जगहों पर आयोजित किए और हिंदी के कवि लेखकों का सम्मान भी किया, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी आपके अच्छे मित्र थे। पंडित जी के हिंदी समर्थन के कारण आपको बहुत बार अंग्रेजों ने जलील भी किया। जब आप रायपुर काउंसिल के अध्यक्ष थे तो आपने ये आदेश निकाला कि हर कार्य हिंदी में होना चाहिए, तो
तो वहां के कलेक्टर साहब ने कहा कि नो, ये नहीं हो सकता। आपने ये लिख के कहा कि आपके पास ट्रांसलेटर है, आप उसको ट्रांसलेट कराइए। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि नहीं, हिंदी नहीं चलेगी, अंग्रेजी ही थोपी जाएगी, जिसका इन्होंने बहुत जी भरकर विरोध किया। लड़ाई रंग लाई और पार्लियामेंट ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया, जिसका काफी हद तक श्रेय आपको सेठ गोविंद दास को जाता है। 1919 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपने वहां शिरकत की और आपने इच्छा जाहिर की कि अगला अधिवेशन सेंट्रल प्रोविंस में होना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल की इच्छा अनुसार त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन जबलपुर में हुआ, जिसमें एक बहुत ही इतिहास का इंटरेस्टिंग वाकया है। सुभाष चंद्र बोस कैंडिडेट बने महात्मा गांधी के कैंडिडेट के खिलाफ। मजेदार बात क्या थी कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया। ये ऐतिहासिक घटना थी, पर किसी तरीके से कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में डिवीजन हो, तो पंडित पंत ने एक प्रस्ताव पास करा कि महात्मा गांधी की इच्छा है कि एक पर्टिकुलर आदमी ही जीते, और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। रणभेरी बच चुकी वीरवार पहनो केसरिया बाना, ये गाना गा गा कर लोग दस दस के झुंड में रायपुर से चलकर और अलग अलग दिशाओं में जाते थे। वो यंग लोग थे और आजादी की लड़ाई के दीवाने थे। इसी दौरान पंडित रविशंकर को अरेस्ट कर लिया गया गोंदिया में, और आपको जबलपुर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट अंग्रेज था, उसका नाम था लिली। उसने पूछा, व्हाट डू यू डू? रविशंकर जी ने कहा, आई एम ए लॉ मेकर बट नाउ आई एम ए लॉ ब्रेकर। उसने कहा, आपको 2 साल की कैद। उसके बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। यही लिली मजिस्ट्रेट जिसने रविशंकर जी को 2 साल की कैद दी थी, बाद में उनका सेक्रेटरी बना। पंडित जी को एक खबर मिली कि निजाम हैदराबाद बस्तर को 99 साल की लीज पे लेने की फिराक में है। आप बड़े विचलित हो गए। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कांटेक्ट किया और उनको कहा कि ये नहीं होना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल के कारण हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बस्तर हमारे हाथ से नहीं निकला। पंडित जी समाचार पत्र ज्यादा से ज्यादा छपें, इसके हिमायती होते थे, इसीलिए उन्होंने नागपुर टाइम्स चालू किया। उसको अंग्रेजों ने परेशान भी किया, पर उन्होंने पूरा उसको चालू रखा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, नया मध्य प्रदेश। पहले का मध्य प्रदेश जो था उसकी राजधानी नागपुर थी, ये नया मध्य प्रदेश जो बना इसकी राजधानी भोपाल थी। आप उसके मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। ये है कहानी पंडित रविशंकर शुक्ल की, मध्य प्रदेश के निर्माता की। उनका सरदार पटेल से बहुत संबंध रहता था और संभवतः सरदार पटेल भी उन पे बहुत निर्भर करते थे। ये दोनों एक लौ पुरुष की तरह थे। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि दोनों की थिंकिंग एक ही सी थी, और अंत में भी
लौह पुरुष सरदार पटेल ने उनका साथ निभाया और मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रकार की प्रिंसिपैलिटीज, किंगडम्स, राजा महाराजा सबको बराबर करके, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बराबर करके एक मध्य प्रदेश का राज्य बनाया गया। भिलाई का प्लांट को बहुत लड़ झगड़ के लाए, पर उसका ये मतलब नहीं था कि वो रीजनल थे। रीजनल उनका आर्ग्यूमेंट जो मैंने पढ़ा लिखा बाद में देखा कि यह था कि ये कोयले के स्रोत जो उड़ीसा और झारखंड में हैं उनके करीब हैं, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी रहेगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे रीजन में ला के लगाओ। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उतना शायद किसी ने इस देश में ना। विद्या भवन की योजना एक बनाई थी जो सीपी बरार एरिया में, बाद में उसको मध्य प्रदेश में भी ले आए, और विद्या भवन की योजना ये थी कि पहले बच्चों को हिंदी में सिखाओ ताकि वो सीख जाएं, पढ़ जाएं। आप पहले ही से अड़चन डालते हो द्विभाषी है, जिसमें एक दो तीन चार भी सिखाते हो और 1 2 3 भी सिखाते हो, तो कन्फ्यूजन शो होता है बच्चे को। एक भाषा सिखाओ ताकि वो पढ़ जाए, उसके बाद चाहे उसको 10 और भाषाएं सिखाओ। पुराने ख्याल के आदमी थे, ऐसा नहीं, वे डाउरी के अगेंस्ट रहते थे। मेरी माँ की शादी में क्योंकि डाउरी मांगी ही नहीं गई थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ शादी। हमारे ग्रैंडफादर बब्बा जी पंडित रविशंकर शुक्ला जी गोल्फ खेलते थे, शूटिंग करते थे। शूटिंग मतलब कि वो सिक्योरिटी वाली पिस्टल की शूटिंग, ऐसा नहीं कि शिकार करते। उनको अंग्रेजी खाना पसंद था, अंग्रेजी तौर तरीके पसंद थे या उनको मालूम थे, तो वो अच्छे अच्छे एम्बेसडर्स जब आते थे तो उनकी होस्टिंग नागपुर में होती थी और उसके बाद भोपाल में भी जब तक वो रहे हुआ। डॉक्टर भल्ला को धन्यवाद, उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आके अपनी कुछ बात अपने नाना पंडित रविशंकर शुक्ला जी के बारे में कह सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज दास्तान मध्य प्रदेश का एक और किस्सा। हम अगले हफ्ते फिर आपको नई कहानी सुनाएंगे, अनसुनी और अनकही बातें बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।